गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ चैप्टर इन इंग्लिश रीडर बुक, दैट इज द डे द एनिमल्स वेंट ऑन स्ट्राइक। तो इसमें हमने कल कुछ पार्ट डिस्कस किए थे, कैसे एनिमल्स जो उनके गेट टुगेदर टाइम होता थे वो लास्ट कुछ वीक्स से एक दूसरे को अवॉइड करते थे, पहले से वो पहले की तरह खुश नहीं रहते थे। उनकी जितने भी रीजन्स हमने डिस्कस किया, हर एक जैसे कुकू का कुछ प्रॉब्लम्स था, आपका डब्बू कानून, ये सब ने अपने अपने प्रॉब्लम्स को रखा सबके सामने, क्या क्या रीजन था जो लास्ट कुछ हफ्ते से वो एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे। देन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, थिंग्स हैव बिकम वेरी रियली बैड, सेड टुलू सैडली। ठीक है, तो टुलू ये कह रहा है कि जो भी चीज़ हो रहा है वो बहुत दुखदायक है, बहुत कष्टदायक है। वेल वी मस्ट डू समथिंग टू टीच दिस ह्यूमंस बींग ए लेसन, कह रहे हमें सबको मिल के सबको एक साथ कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि एक इंसान को एक अच्छा लेसन मिल जाए। आई हैव गॉट एन आइडिया, लेट्स गो ऑन ए स्ट्राइक। ठीक है, बोला अब क्या करना है हम कि सब जानवर मिलकर, सब एनिमल्स मिलकर एक आइडिया, एक प्लानिंग करते हैं कि मुझे एक आइडिया मिला है, चलो सब साथ में मिलके एक स्ट्राइक पे चलते हैं। ना हमें एनिमल्स ह्यूमन बींग को एंजॉयमेंट करना है, ना हमें फन, ये कुछ नहीं करना है, हमें स्ट्राइक पे जाना है। ठीक है, विल स्टे इनसाइड आवर रूम्स, ही कंटिन्यूड कि हम सब हमारे रूम के अंदर ही रहेंगे, मतलब जो जो प्रोहिबिटेड या प्रोवाइडेड एरिया दिया गया है एक पर्टिकुलर एनिमल को, वो कह रहे हमें सबको उसी के अंदर रुकना है। लेट दिस एनिमल बींग्स नो दैट वी आर एंग्री विद देम, हम ऐसे बिहेव करेंगे कि उनको पता चले कि हाँ सच में हम एनिमल ह्यूमन बींग्स के ऊपर, इंसान के ऊपर गुस्सा है। क्यों, रीजन क्या है, ड्यू टू देयर रूड बिहेवियर। ठीक है, दैट्स गुड आइडिया सेड हुकू, ने कहा यह बहुत अच्छा आइडिया है। व्हेन दे कैंट सी अस, हाउ विल दे हर्ट अस, कह रहे ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना अगर वो हमें देख ही नहीं पाएंगे तो हमें हट कैसे करेंगे, हमें दुख कैसे पहुंचाएंगे, चलो यही करते हैं, यह एक बहुत अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग वाज संडे, अगले दिन जो था वो एक संडे था। देयर वाज ए बिग रस एट दी जू, और चिड़ियाघर में एक बहुत रस था, भीड़ था, क्योंकि हॉलीडे था, स्कूल के चिल्ड्रेंस और जो भी थोड़ा अपने काम से फ्री हो रहा था वो जू में चिड़ियाघर में घूमने के लिए आ रहा था, तो संडे होने की वजह से उस दिन चिड़ियाघर में बहुत ज़्यादा भीड़ था। सेवरल बस लोड्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन रस्ट इनसाइड इट टू सी द एनिमल्स, बहुत सारे स्कूल की बस बिल्कुल भरा हुआ था कुछ स्कूल चिल्ड्रन को ला के, जो कि चिड़ियाघर के देखने आए थे या कुछ जानवरों के साथ कुछ अपने टाइम एंजॉय करने। ए लार्ज क्राउड ऑफ ग्रोन अप्स हैड अराइव्ड एज़ वेल, और धीरे धीरे ये जो भीड़ था वो बढ़ता चला गया। बट देयर वर नो एनिमल्स ऑन द सीन, लेकिन क्या हुआ, एक भी जानवर को कोई देख नहीं पाया। द केजेस लुक्ड एम्प्टी, जो केज था वो बिल्कुल खाली लग रहा था। दे आर इनसाइड देयर रूम्स एंड दे रिफ्यूज टू कम आउट टू मीट अस, और जानवरों की जो ट्रीट करते हैं, जो लोग को रखा जाता है एनिमल्स के बारे में जान देखभाल करने के लिए, तो उनकी लाखों मनाने के बाद भी वो बाहर आने की इच्छा ही नहीं था। वो कह रहे थे या उनकी बिहेवियर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो बाहर आना ही नहीं चाहते। द चिल्ड्रेन टोल्ड देयर टीचर्स व्हाट कैन हैव हैपेंड, द टीचर्स वंडर्ड, चिल्ड्रेंस थे जो स्टूडेंट्स थे अपने टीचर को पूछ रहे थे क्या हो सकता है, जानवर क्यों बाहर नहीं आ सकते, क्या रीज़न हो सकता है। तो ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन में टीचर्स भी उलझे हुए थे, हाँ क्या रीज़न है क्या नहीं है जो जानवर बाहर नहीं आ रहे। सम ऑफ द ग्रोनअप्स बिगेन टू फील चीटेड, ठीक है, लेट्स गो एंड कंप्लेन टू द डायरेक्टर, और कुछ जो बड़े बच्चे थे जो थोड़ा अलग स्वभाव के बच्चे थे वो बोले थे चीटेड बहुत कि हमारे साथ चीट हुआ है, चलो जाके डायरेक्टर को कंप्लेन करते हैं। दे सेड व्हेन द डायरेक्टर हर्ड द न्यूज, जब जू का डायरेक्टर्स, जो जू का नाम क्या था, दिल्लगी जूटू, उसका जो डायरेक्टर जब ये सुने इनके बारे में, जब पता चला हुआ सरप्राइज एज एवरीवन एल्स, ये सुन के बहुत सरप्राइज हो गए। आई एम सॉरी देयर इज नथिंग आई कैन डू, मतलब कि सॉरी मैं बहुत दुखी है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, इससे वो कह रहे थे। द चिल्ड्रेन एंड ग्रोन अप्स ट्रूप सैडली आउट ऑफ द जू, जो बच्चे थे और जो उनके मेंटर्स थे, मतलब टीचर्स थे, उनको दुख के साथ बाहर निराश होकर बाहर मतलब वापस होना पड़ा। दिस एड नेवर हैपेंड टू देम बिफोर, ये इनके साथ कभी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। बट 9-year-old प्रिया, लेकिन 9 साल की लड़की प्रिया वॉज रेगुलर विजिटर ऑफ द जू, जो कि रेगुलर विजिटर थी, मतलब रोज जाती थी। थर्ड सी न्यू वाई द एनिमल्स वेरी ने बैड मूड, शायद उसको पता था क्यों जो जानवर हैं इनका मूड क्यों अच्छा नहीं है, क्यों वो बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे।
she told her friend Paki, उसने अपने दोस्त पाकी को कहा, they are tired of being bullied and teased by us, कि हमसे जो हम लोग जो उनके साथ मजाक करते हैं या उनको चिढ़ाते हैं, शायद यही रीजन है जो जानवर से एनिमल्स बाहर आना नहीं चाह रहे। आई विश देर वॉज सम वे वी कुड शो देम हाउ यू कैन केयर फॉर देम। वो ये भी कहे कि मैं हमें ये कोशिश करना चाहिए कि कैसे हम उन लोगों को ये जता सके कि हाँ हम लोग उनका रियली केयर करते हैं, हम उनको टीज नहीं करते, हम उनको चिढ़ाते नहीं हैं। तो ये कन्वर्सेशन हो रही है प्रिया और पाकी के बीच में, ठीक है। आई हैव एन आइडिया सेड पाकी, पाकी ने कहा मेरे पास एक आइडिया है, लेट्स गेट द होल क्लास टू आर कनेक्ट। तो चलो सारे क्लास के स्टूडेंट्स को बुला के लाते हैं और उनको ये जिम्मेदारी दिया जाता है कि कैसे हम इनको शो कर सके कि हाँ वो ये रियली केयर फॉर यू, ठीक है। फॉर थ्री डेज ऑल द क्लासमेट्स स्पेंड ऑल देयर स्पेयर टाइम पेंटिंग ए बैनर विद द वर्ड्स वी लव यू एनिमल्स वी वोंट टीज यू अगेन स्प्लैश्ड अक्रॉस। फिर नेक्स्ट 3 दिन तक स्कूल में क्लास में जितने भी बच्चे थे वो सारे उसी काम में लगे, बैनर बनाते थे, कभी लिखा जाता था कि वी लव यू एनिमल्स, हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वी वोंट टीज यू अगेन, हम लोग को कभी भी और चिढ़ाएंगे नहीं, टीज नहीं करेंगे आप लोगों के साथ, आप लोगों को हर्ट नहीं करेंगे। When it was ready, the children brought it to the zoo. अब 3 दिन के बाद जब ये सब बैनर रेडी हो गया, ये सारे बैनर जो मिलाए गए and took it from one case to other, पर एक कैसे दूसरे अदर तक ये पहुँचाया गया। टुलू किला डबू कानून जगू हुकू एंड ऑल अदर एनिमल्स फेल्ट मच बेटर आफ्टर रीडिंग इट। जितने भी जानवर थे इसको पढ़ के वो बहुत अपने आप को मतलब खुशी महसूस किए कि हाँ हमारे लिए कुछ स्टेप्स लिया गया है, हमने एक दिन स्ट्राइक में रहा तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ अच्छा स्टेप लिया, ठीक है। द चिल्ड्रन केयर फॉर देम दे वुड रियली मिस देम, ठीक है। उनको ये महसूस हुआ जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करना चाहते हैं और उनकी ना जाने से उनको भी बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा है। हुकु गेट एन एक्साइटेड येल एंड स्कैम्पर्ड टू द फ्रंट ऑफ कैच ऑल द एनिमल्स डिड इट। ये देख के हुकु बहुत खुश हो गया और अपने कैच के सामने वो बहुत अच्छी तरह से चिल्लाने लगा, कूदने लगा और ये देख के और भी जितने भी एनिमल्स थे वो भी खुशी के मारे नाचने लगे, अपने अपने साउंड प्रोड्यूस करने लगे। एक खुशी का साउंड था कि हाँ वी आर रियली हैप्पी विद द चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ बहुत खुश थे। द बैनर नाउ हैंग्स एट द एंट्रेंस ऑफ दिल्लगी जू, और जो बैनर था अभी वो लगा हुआ था जो प्रवेश द्वार था दिल्लगी जू में, वहाँ पे इफ द वर्ड्स ग्रो ए लिटिल फैडेड यू कैन पिक पे ब्रश एंड एड ए टच ऑफ कलर टू। उसमें ये था अगर कोई किसी को ये बैनर में लिखा हुआ हर वर्ड्स पसंद है वो एक ब्रश को उठा सकता है और एक ब्रश में उठा के एक कलर को वहाँ पर टच भी कर सकता है। ये था कि अगर हम अप्रिसिएट करना चाहते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स के पास भी इक्वल राइट्स है सर्वाइव करने का, जीने का, उनको हर कुछ फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, उनका भी लाइफ में फन होना चाहिए, एन्जॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम हम कभी भी जू पे चिड़ियाघर पे जाएंगे हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से कोई भी एनिमल्स को दुख ना पहुँचे, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो गया, देन इसका वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर पार्ट है फल सेंड हो जाएगा। बाकी आप लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टाइप्स है वो कोशिश कीजिएगा करने के लिए, ज़्यादा नहीं है, फिलअप्स है, 5 क्वेश्चन है, उसको करवा के दे दूँगी, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पे इंग्लिश रीडर से 3-4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद देन हम ग्रामर पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।